किसान आंदोलन को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है, तो टिकैत ने कहा, सरकार कान खोलकर सुन लो, कानून वापसी नहीं तो गद्दी वापसी। वहीं अब किसान कहने लगे, महाराज टिकैत तो टिकाऊ है, आंदोलन अब अंगद का पांव बन गया है, जिसको लेकर मचा बवाल है, तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। जिंद के गांव कंडेला में चल रही महापंचायत में हादसा हो गया, जिस मंच से राकेश टिकैत किसानों को संबोधित कर रहे थे वो अचानक गिर गया। मंच पर कई अन्य किसान नेता भी मौजूद थे। हादसे में टिकैत समेत कुछ नेताओं को मामूली चोट आई। महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि सरकार की किलेबंदी अभी तो एक नमूना है, आने वाले दिनों में इसी तरह से गरीब की रोटी पर भी किलेबंदी होगी। रोटी तिजोरी में बंद न हो, इसके लिए ही ये आंदोलन शुरू किया गया है। छब्बीस जनवरी को किसान रैली के दौरान लाल किले पर उपद्रव करने वालों के खिलाफ आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरह से टिकैत जिस मंच हमने अपनी बिल वापसी की बात करी है, सरकार कान खोल कर सुन ले, अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे, अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे, आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना लो। हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी चुनौतियां हैं, उनसे बैठ कर बात कर लो। कटिल नेतार जो हम अपने खेतों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले किले गाड़ी गई, अरे किले तो लाल किले के दीवार से भी गाड़ी गई थी, किले तो गेट पर भी गाड़ी गई थी। कहाँ है वो किला, कहाँ है किले का गेट, उससे किले गाड़ी गई थी, किसान लेकर गया था उसको। लेकर जाए आप पंचायत के लोग, लेकर जाएंगे सोरम के अंदर लेकर जाएंगे, तो किले गाड़ी गई है। सोरम खाद पंचायत का ऑफिस है, वो किले वहां पर लेकर जाएंगे, पूरे तख्ते उनको उखाड़ कर, और आप खाद पंचायत के लोग उसको लेकर जाएंगे। वो दिखाया जाएगा आने वाले 400 साल तक भी कि दिल्ली में ये हुआ था, उन तख्तों को पार कर लेकर जाएंगे हम। ये खाद पंचायत ने निर्णय कर लिया वहां की कि उनको लेकर जाएंगे, सोरम के सुपाल में उनको रखेंगे। उनकी हिम्मत ये किले गाड़ कर रखोगे, अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा, उस पर स्तर को जनता जाएगी। जो हमारी कमेटियां हो, हम खास पंचायत को मानने वाले लोग हैं, ना हमारा ऑफिस बदला जाएगा, ना हमारे पंच बदले जाएंगे। राज्यपाल जी और जितने भी हमारे लीडर हैं, वो इस पंचायत का फैसला करेंगे। जो 40 गठबंधन है, जो 40 लोग हैं हमारी कमेटी के, वे जब पंच बदले जाएंगे, उन्हीं पंचों से ये फैसला होगा। उनमें से हम भी एक हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली में करे, जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है, जब जब राजा डरता है, जब जब राजा डरता है। जी हाँ, आपने टिकैत की चुनौती सुनी। 26 जनवरी को किसान रैली के दौरान लाल किले पर उपद्रव करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। दिल्ली पुलिस ने इस बारे में 12 आरोपियों की तस्वीरों को जारी किया है। दीप सिद्धू, गुरजीत सिंह और गुरजंत सिंह पर दिल्ली पुलिस ने 1-1 लाख का इनाम रखा है, तो वही बाकी आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम रखा गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियो व लोगों द्वारा दी गई वीडियो और फोटो के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई है। जिस समय दिल्ली में उपद्रव हो रहा था, उस समय दीप सिद्धू लाल किले में ही मौजूद था और भड़काऊ भाषण लगातार देता जा रहा था। इंडिया न्यूज के पास इनके एक्सक्लूसिव वीडियो भी हैं।
किसान आंदोलन के समर्थन में सबसे पहले आपको रिहाना का ट्वीट दिखाते हैं। उन्होंने किसान आंदोलन से जुड़ी एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। भारत के मामले में दखल पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा, ऐसा तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने रिहाना को टैग करते हुए लिखा, कोई इस बारे में इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि वह किसान नहीं आतंकवादी जो भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हमारे कमजोर देश पर कब्जा कर सके और अमेरिका जैसा चाइनीज उपनिवेश तैयार कर सके। चुप रहो मूर्ख, हम तुमको बेवकूफों जैसे अपने देश को नहीं बेच रहे। जी हां, कंगना रनौत का जवाब रिहाना के ट्वीट पर। शुरू से ही किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रही पंजाबी सिंगर और बॉलीवुड एक्टर दिलजीत सिंह दोसांझ ने रिहाना को टैग करते हुए अपना नया गाना रिलीज किया तो कंगना ने दिलजीत के खिलाफ तीखा ट्वीट कर डाला। कंगना ने लिखा, इसको भी अपने रुपए बनाने वाले हैं। सब कम से कम प्लान हो रहा है, कम से कम एक महीना तो लगेगा वीडियो और अनाउंसमेंट की तैयारी में। और लिब्रू चाहता है कि हम ये मान ले कि ये सब ऑर्गेनिक तरीके से हो रहा है। ये कंगना का ट्वीट। इस बीच विदेश मंत्रालय का भी बयान आया, स्वार्थी तत्वों को एजेंडा थोपने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी संख्या में किसानों को कानून पर आपत्ति, भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मदद जुटा रहे हैं। संसद में पूरी चर्चा के बाद लागू हुआ है कानून, कुछ भी कहने से पहले पूरे मुद्दे को समझ लेना जरूरी है। जी हां, किसान आंदोलन को लेकर कई मुद्दे, कई सवाल और इसका जवाब देने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर। जी हां, जाने पहचाने चेहरे किसान आंदोलन से जुड़े हुए वो लोग, कृषि विशेषज्ञ और बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ेंगी। हमारे पास कुछ और मेहमान आएंगे, जी हां वो भी जुड़ेंगे। लेकिन जिन चार मेहमानों के साथ हम देश का सवाल शुरू करें, आइए मैं उनका परिचय करा दूं। आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता इकबाल सिंह लालपुरा साहब, वाहेगुरु, आपका स्वागत है लालपुरा साहब। हमारे साथ डॉक्टर बीरपाल सिंह, आप कृषि विशेषज्ञ, आपका भी स्वागत। हमारे साथ किसान नेता शौविक मलिक साहब, जी हां आप लगातार देश के सवाल के कार्यक्रम में आ रहे हैं। चौधरी साहब आपका स्वागत है और आपसे ढेरों सवाल है। जी हां, सरकार को ललकारा जा रहा है, क्या टिकैत ही अब इस आंदोलन का चेहरा हो गए। इसके अलावा और भी कई सवाल होंगे, आपके पास मैं लेकर आऊंगा। हमारे साथ चौधरी शिवराज जी, किसान नेता हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है देश के सवाल में। सबसे पहले इकबाल सिंह लालपुरा साहब, आज संबित पात्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन किया, उसमें उन्होंने कहा रिहाना को नहीं पता कृषि कानून, रिहाना को नहीं पता भारत की कृषि क्या, राहुल गांधी को नहीं पता कृषि होती क्या है। तो इकबाल सिंह लालपुरा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपको कैसे पता कि उनको ये कुछ नहीं पता? हमारे देश में कैसे कृषि होती है, किसके बारे में, वो वहां एक फिल्म एक्ट्रेस है, एक सिंगर है रिहाना, उसको कैसे मालूम है। और दूसरी बात, उसका हमारे देश में, मैं तो एक बात कहता हूं ऋषि, हमारे देश की एकता, हमारे देश की अखंडता, हमारे देश का गौरव, ये सारा हम सबका एक मिशन है, एकता अखंडता और गौरव। हमारे गौरव पे कोई आदमी टिप्पणी करेगा, चिंता करेगा, वो हमारा दोस्त नहीं है और उसको अधिकार भी कोई नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो अपने हैं, आपके भारत के हैं, एक बड़ी पार्टी के नेता हैं। इकबाल साहब, राहुल गांधी तो अपने हैं, अपने भारत के हैं, आपने तो यहाँ तक कह दिया कि वो जाकर विदेश में साजिश रचते हैं। मनीषी, मैं आज पार्लियामेंट ने 14.5 घंटे का समय दिया बातचीत के लिए, इसमें स्वागत है राहुल गांधी जी का, वो इसके मेंबर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में अपनी बात कहें हमें बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो कानून बने हैं इसकी एक एक लाइन पढ़े और उस पर अपनी टिप्पणी करें। ट्रैक्टर पे पंजाब के सड़कों पे घूमने से कोई आदमी खेती का माहर नहीं बन जाता,
और दूसरी तरफ ऐसी स्थिति जहां उनके एमपी रवनीत बिट्टू की पिटाई हुई, कुलबीर सिंह जीरा की पिटाई हुई, उसके बारे में तो एक शब्द नहीं बोल सके। एक शब्द बताइए कहां राहुल गांधी जी ने कहा है कि उसकी पिटाई गलत हुई। अगर उसकी पिटाई सही हुई तो ये जो रवि ये कहता है रवनीत बिट्टू कि हम लाशें बिछा देंगे, उससे कांग्रेस को पूछना चाहिए किसकी लाशें बिछाएंगे। इनके चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि ये इसमें विदेशी अंसर आगे शामिल हो जाएंगे, इसमें चीन को फायदा होगा, इसको पाकिस्तान को खालिस्तानी आतंकी पाकिस्तानी ये सारे नाम तो जोड़ दिए गए इस आंदोलन से। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, आतंकी खालिस्तानी पाकिस्तानी ये सारे नाम जुड़ चुके हैं इस आंदोलन से। साधना भारती मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा। साधना जी अभी मैंने आपका परिचय नहीं कराया है, हमारे साथ दो मेहमान डॉक्टर अनुराग भदौरिया मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर साहब सपा के प्रवक्ता हैं, आप नेता हैं समाजवादी पार्टी से, आपका स्वागत है। और हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता साधना भारती। साधना जी मैंने आपका परिचय ही नहीं दिया, आपने उंगली उठा दी, आप बोलना चाहती हैं। मुझे पता है आप अपने तल्ख तेवरों से आप बीजेपी के तमाम सवालों के जवाब भी देंगी और कुछ सवाल भी पूछेंगी, लेकिन इकबाल साहब आप अपनी बात पूरी करें तो मैं साधना भारती के पास जाऊं। इकबाल साहब बात यह है, ये हम कभी किसानों को खालिस्तानी नहीं बोलते, हम किसानों को देश विरोधी नहीं बोलते। किसान हमारे भाई है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम खुद किसान हैं। लेकिन ये कौन बोल रहा है इनको, इसके बारे में ये कांग्रेस पार्टी बोल रही है, इनको जवाब देना चाहिए ये इनको क्यों बोल रहे हैं। और अगर ये कहते हैं कि हम लाशें बिछा देंगे, उस रवनीत बिट्टू जी से पूछो कि किसकी लाशें बिछाएंगी। उसकी पिटाई हुई जी, इकबाल साहब पूछ ही लेते हैं, इकबाल साहब पूछ ही लेते हैं। साधना भारती देश का सवाल में इस चर्चा और डिबेट में आपका स्वागत है। साधना भारती, रिहाना को नहीं पता कृषि कानून क्या है, राहुल गांधी को तो पता ही नहीं, लेकिन बीजेपी को पता है कि इन दोनों को नहीं पता, क्या आपको पता है? देखिए सबसे पहले तो देश के सवाल में आपने फिर एक जायज सवाल उठाया है जो एक सार्थक डिबेट की ओर जा रहा है। और आज मैं कांग्रेस की राष्ट्र प्रवक्ता होने के नाते सबसे पहले तो ये कह दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी मुझे उम्मीद है कि मुझे शांतिपूर्वक सुनेंगे, मैं भी बहुत देर से सुन रही थी। ये सासाराम बाबा का झूठा चूरन बांटना क्यों शुरू कर देते हैं हर डिबेट में आकर। मैं पूछती हूँ, ऐसे कितना चंदा डकार लिया भाई चंद बड़े व्यापारियों से कि आप ये काला कानून वापस नहीं लेना चाहते, चीन पर नहीं बोलेंगे, आप रिहाना पर बोल रहे हैं। अरे रिहाना ने जो कहा तो कहा, कंगना रनौत कह रही है आतंकवादी है किसान, वो कह रही है हमारे देश को वनरेबल ब्रोकन नेशन यानी एक टूटा हुआ कमजोर देश, वो हमारे देश को अपमानित करती है। ये भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने खुद तो कभी तिरंगे का सम्मान किया नहीं, और अपने खास व्यक्ति जो मोदी जी का खास आदमी है, अमित शाह जी का बहुत खास आदमी है, सन्नी देओल जी उसे छोटा भाई बताते हैं, वो दीप सिद्धू जाकर लाल किले की प्राचीर पर झंडा लहरा देता है उस दिन जब देश में हाई अलर्ट, दिल्ली में हाई अलर्ट होता है, लाल किले के द्वार खोल दिए जाते हैं और अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ, सरेआम वीडियो बनाता है, उसका ये जवाब नहीं देंगे, बस डायवर्ट एंड रूल का फॉर्मूला अपनाएंगे। और मैं पूछना चाहती हूँ इनसे, ये बता दे, एक तरफ तो किसान नेता टिकट बैठे हैं और दूसरी तरफ क्या दिल्ली में डकैत बैठे हैं क्या किसानी और क्षति और कल्याणी पर जो है इन्होंने आक्रमण करने के लिए सोच लिया है। आज मैं ये प्रश्न उठाती हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, ये बताएं कि ये कृषि काले कानूनों को लेकर कब तक खो-खो खेलेंगे। ये मगरूर मोदी सरकार संवेदनहीन हो चुकी है मनीष जी, जिन्होंने 100 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी इस आंदोलन में, लेकिन इन्होंने कभी भी अभी तक संवेदना व्यक्त नहीं की। इकबाल जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन संवेदना व्यक्त नहीं की। दूसरी तरफ चीन के बारे में कुछ नहीं कहते, चीन घुसा चला आ रहा है, दूसरी तरफ ये प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं बस एक कॉल दूर हूँ। अरे कॉल दूर नहीं है आप, अब ये बताइए आप कितनी कीले दूर है, किसानों के कीले ठुकवा दी, टैक्स पेयर्स के पैसों से बल्लम को सीमेंट कर दिया जा रहा है। साधना जी जवाब ले लेते हैं इकबाल सिंह जी से। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब सवाल करती हैं और जवाब देती हैं तो ऐसा लगता है कि ये किसी रैली के मंच से आप संबोधित कर रही हैं। जी हाँ इकबाल जी अगर आपने साधना भारती को सुना है तो आप अपना रिबटल दें, फिर मैं आगे हमारे किसान नेताओं की ओर चलूं। मनीष जी, मैं ये छोटी उम्र की बेटी है, मैं इससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बात सुने।
पहले तो ये दीप सिद्धू के बारे में 6 दिसंबर को सनी देओल जी ने बोला है कि वे मेरे साथ कभी उसका 2 साल से पुराना संबंध खत्म हो चुका है, ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है और सभी जगह पब्लिश हुई। आप बात सुनिए, बात सुनने के बाद बात करिए। अब दीप सिद्धू क्या कहता है कि मेरे पीछे तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगी हुई है कि हमें ज्वाइन साधना जी, साधना भारती, साधना भारती इकबाल सिंह जी को बोल लेने दीजिए, इकबाल साहब को बोल लेने दीजिए। हम जिस तकनीक फॉर्मेट पे ये डिबेट कर रहे हैं उसमें एक वक्त पे एक ही कहे तो ज्यादा बेहतर है। साधना भारती, साधना भारती उनको बोल लेने दीजिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए। फोटो तो कमर बाजवा और नवजोत सिद्धू की है, फोटो तो नवजोत सिद्धू और इमरान खान की है, फोटो तो यासीन मलिक और अरे साधना भारती, साधना भारती, साधना जी इकबाल साहब आप अपनी बात पूरी करें तो मुझे दूसरे मेहमानों के पास जाना है और मेरा भी साधना भारती से एक सवाल है। इकबाल साहब आप अपनी बात पूरी करें, साधना जी आ रहा हूँ। आप तर्क से बात कीजिए साधना जी, हम किसान हैं, किसानी के लिए उम्र जरूर छोटी है, आप मेरे आदरणीय साधना जी, साधना जी जो सवाल मैं आपसे पूछूंगा आपके पास उसका जवाब नहीं होगा। इकबाल जी आप अपनी बात पूरी करें फिर मैं साधना जी से अपने सवाल लूंगा। मनीष जी बात यह है, हम किसानों से बात कर रहे हैं, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, आगे भी हमने अपना उनको दे दिया है। लेकिन जब तक कीले नहीं हटेंगे, जब तक कीले नहीं हटेंगे तब तक कोई बातचीत नहीं, किसानों ने साफ कर दिया। लालपुरा साहब देखो बेनती ये है, कीले भी हटेंगी, कीले कोई परमानेंटली लगी, लेकिन कीलों के साथ ये भी याद रखना चाहिए 4 दौर की बातचीत में किसानों ने 37 शर्तें लिख के दी थी, उनमें से की क्या एक की पालना हुई? जी मैं एक छोटा सवाल साधना भारती से ले लूं। इकबाल साहब मेरा सवाल साधना जी आपसे, अगर दीप सिद्धू बीजेपी के हैं, अगर दीप सिद्धू बीजेपी के हैं तो आपके मुख्यमंत्री ने कल क्यों कहा कि लाल किले पर जितने लोग थे इनके केस लीगल एड कांग्रेस देगी? देखिए पहली बात मैं ये कह दूं, दीप सिद्धू को हम इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थक कहते हैं क्योंकि एक साधारण सी बात है, कोई बहुत आम आदमी प्रधानमंत्री आवास में जाके मोदी जी के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकता, देश के प्रधानमंत्री के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकता, अमित शाह जी के साथ बैठकर ड्राइंग रूम में बतियाते हुए तस्वीरें आई और कुछ सनी देओल जी उन्हें छोटा भाई बताते हुए नजर आए और चुनाव भी संभाला है इन्होंने सनी देओल का। और मैं तो आज आपके माध्यम से कह देती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्र प्रवक्ता हूँ पार्टी की और मैं बचपन से धारा प्रवाह बोलती हूँ, इसीलिए शायद ऐसा लगता हुआ कि संबोधन दे रही हूँ, लेकिन मैं अपनी शैली में यही कह दूँ कि देखिए मैं सीधी और सफाई बात करती हूँ। देश में 2 तरह के राष्ट्रवादी है मनीष जी, एक है गांधीवादी राष्ट्रवादी जिन्होंने तिरंगे का सम्मान किया और आजादी का आंदोलन किया। जी हाँ साधना जी, साधना जी आप मेरा जवाब नहीं दे पा रही, आपने मेरा जवाब नहीं दिया कि आपके मुख्यमंत्री ने कहा है जितने लोग गिरफ्तार हुए लाल किले मामले में उन सबको लीगल एड देगी सरकार। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा। हमारे साथ चौधरी साविक जी हैं। साविक साहब ये लड़ाई लंबी है, हम ना झुकेंगे ना हटेंगे, हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, मारा टिकट टिकाऊ है। चौधरी साविक मलिक आवाज आ रही है जी, आप जवाब दें। मनीष जी हम ये बताना चाह रहे हैं आपके को कि सरकार ने चक्रव्यूह की रचना की है किसान को फंसाने के लिए, पहले भी उसमें फंसा चुके हैं, अब एक नई रचना और कांटे गाड़ कर, जब किसान शांतिपूर्वक आधे रोड पे बैठा है, आधा रोड खुला था जिससे हम जा रहे थे, हम आपके माध्यम से लालपुरा जी से पूछना चाहते हैं उस एरिया के जो बीमार लोग हैं, जो अस्पताल में दिल्ली जाना चाहते हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनको बच्चा होना है, वो लोग वहां से एम्बुलेंस का भी रास्ता बंद कर दिया, पक्का इन्होंने कंक्रीट का रोड बना दिया, भाले लगा दिए, वो लोग अब दिल्ली कैसे पहुंचेंगे? जिन लोगों की जान माल की हानि होगी उसको सरकार कैसे पूरा कराएगी? जो हमारे लोग आंदोलन में शहीद हो रहे हैं वो तो हो ही रहे, लेकिन जो आम आदमी है इलाज कराने नहीं जा सकता है,
इन्होंने रोड को ब्लॉक कर दिया है, जो उनकी एक किस्म से ये मानो कि बीजेपी की वजह से उनकी हत्या होगी सरकार की वजह से, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उनके घर के नागरिकों को ये कहां से बता पाएंगे? साविक मलिक साहब, आपके पास आता हूं, आपके पास आऊंगा, क्योंकि हमारे साथ मास्टर शिवराज किसान नेता हैं, वो बहुत कम समय के लिए जुड़े हैं। शिवराज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सवाल आपसे, जी हाँ, तीन मांगे थी लेकिन आज की महापंचायत में टिकैत ने साफ कर दिया, मांगे बढ़ गई, आधा दर्जन के करीब हो गई है। मांगे ये कि जो गिरफ्तार हुए उन्हें छोड़िए और जिन पर मुकदमा लगाया गया है वो वापस लिए जाएं, मांगे बढ़ती जा रही हैं। ऐसी सूरत में आंदोलन लंबा चलेगा, अंगद का पांव बन गया है। मनीष जी, राकेश टिकैत जी है कि मुझे शांति चाहिए। राकेश टिकैत जी ने यह भी कहा है कि भाई गुस्सा मुझे दे दो, कोई गुस्सा नहीं करेगा। राकेश टिकैत जी ने यह भी कहा है देश के प्रधानमंत्री का सर नहीं झुकने देंगे। राकेश टिकैत जी ने यह भी कहा है सरकार के सामने कोई मजबूरी है तो हमें भी बताए। राकेश, और मंच से जब सभा को संबोधित किया जाता है तो जब चुनाव होते हैं आचार संहिता अपनी मर्यादा भूल जाते हैं मंच पे जाकर के, कौन क्या कहता है। मैं ये कहता हूं जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है एक कॉल दूर की, इसको हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा युद्ध ना बनाए भाई। एमएसपी गारंटी कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कंट्रोल रेट है सबसे नीचे का है, पूरा देश एमआरपी पे चलता है, हम एमएसपी मांग रहे हैं, हम किसान आयोग का गठन मांग रहे हैं, तो भाई इसमें किसान कहां गलत है। जब से देश आजाद हुआ है किसान सौतेली माँ का बेटा बन के रह गया है, हमेशा घाटे की खेती कर रहा है। ना तो राजनेता घाटे में रहता है, टिकट पार्टी बदल देते हैं, समझदार को फायदा नहीं होता है तो बिजनेस बदल देता है, नौकरी पैसे वाले को अच्छी नौकरी मिल जाती है तो नौकरी बदल देता है। सिर्फ देश का किसान और जवान ऐसा है कि जो अपने धर्म पे आज तक टिका हुआ है, वो भी किसान का बेटा है जो बॉर्डर पे है, आतंकवादी के सीने में गोली उतारता है या खुद तिरंगा में लिपट के आता है। देश का भक्त किसान और जवान से बड़ा देशभक्त में किसी को नहीं मानता। राजनेता तो जैसा मौसम देखते वैसे पार्टी बदल लेते, सरमाएदार बिजनेस बदल दे, पैसे वाले नौकरी बदल देते, सिर्फ अपने धर्म पे आज तक टिका है तो देश का किसान और जवान टिका है। जिस सरकार को देश के किसान ने 300 प्लस सीट दी है, उस किसान, उस सरकार से मैं सानोध प्रार्थना करता हूं कि विदेशी जैसा माहौल ये ना बनाए। विदेशी नहीं है, हिंदुस्तान। मास्टर शिवराज साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने कहा कि किसानों को दमनकारी नीतियों से दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। मुझे स्मरण आता है राकेश टिकैत के पिता मरहूम महेंद्र सिंह जी टिकैत ने जब आंदोलन किया था उत्तर प्रदेश में, आपको भी याद होगा मास्टर साहब कि वीर बहादुर सिंह की सरकार को घुटने पर आना पड़ा था। आपको याद होगा जब राजीव गांधी ने किसानों की हुक्के की गुड़गुड़ाहट को सुनकर घुटने टेक दिए थे, तो किसानों की ताकत क्या है ये सब जानते हैं मास्टर साहब। हैं 300 प्लस सीट अभी ने दिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसा बंटवारा ना करें कि लाइट काट दी जाए, पानी काट दी जाए, लेटरिन साफ ना की जाए, रात को 12 बजे दमनकारी नीति। आप सब जानते हैं किस तरीका से दो रात कत्ल की रात आई, हम भी दलित प्रेरणा स्थल पर बैठे थे, रात को 12 बजे कम से कम 500 की फोर्स ने आकर के हमारे टेंट वेंट उखाड़े, हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। मास्टर साहब, जिन शर्तों को लिखकर दिया गया था जिसके बाद एनओसी मिली थी, उन शर्तों का पालन नहीं हुआ, जांच के दायरे में है, सुप्रीम अदालत में मामला गया, सुप्रीम अदालत ने कह दिया जो पिटीशन गई थी उसको उन्होंने इनकार कर दिया सुनवाई से। ऐसी सूरत में कुछ नैतिक जिम्मेदारियां तो आंदोलन के नेताओं की भी होनी चाहिए। मैं आऊंगा मास्टर साहब, हमारे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी। एक बात और सुन ले, किसान किसान नेता जेल भी जाते हैं, आंदोलनकारी के साथ ये होता है, लेकिन चुनावी भाषण पे देशद्रोही जैसे मुकदमे किसान नेताओं पे जो लगाए गए हैं देश का दुर्भाग्य। मुकदमे लगाए, हमको भी लगाए, लेकिन जितना बनता है उतने मुकदमे लगाए। ये नहीं कि 307 हत्या का वो और देशद्रोही महेंद्र सिंह टिकैत का बेटा देशद्रोही नहीं हो सकता, किसान कभी देशद्रोही नहीं हो सकता, राजनेता हो सकता। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, डॉक्टर भदौरिया, मुद्दा देसी है विदेशी कूद पड़े, मुद्दा देसी है विदेशी कूद पड़े, और किसानों के इस मंच का इस्तेमाल आज जैसे सियासी दल
बखूबी कर रहे हैं, सीधा आरोप है आप पर। देखिए हम तो विश्वास रखते हैं जय जवान जय किसान। किसान अगर तकलीफ में होगा तो समाजवादी लोग उसके साथ खड़े होंगे, और मुझे लगता है देश का हर व्यक्ति इस किसान के साथ खड़ा होगा, क्योंकि किसान ने हजारों साल से इस देश का पेट भरा है, इस देश का सम्मान रखा है उन्होंने। देश की वो आन बान शान है, रीढ़ की हड्डी है, वो धरती को चीर के हमें अन्न उगाते हैं जिससे हमारा सबका पेट भरता है। कोई अगर सम्मान नहीं करता है तो ये चिंता की बात है। और जवान का भी हम सम्मान करते हैं, क्योंकि किसानों के बच्चे सरहद पे खड़े हैं, वो वहां पे ठंड में किसान या ठिठुर के मौत को गले लगा रहा है, वहां उनके बेटे जवान सरहद पे खड़े होके दुश्मनों से लड़ते हैं, उनकी कई बार जाने चली जाती है। सरकार की ये बात समझ में नहीं आ रही सरकार को, सरकार ये चाहती नहीं है, जानना नहीं चाहती है क्या किसान ये पाकिस्तानी अफगानिस्तानी बांग्लादेश और चाइनीज हैं जो आप इतने लोहा लंगड़ कील कांटे और इतना बड़ा वहां पे बंकर जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे दो कदम दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है डॉक्टर भदौरिया, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने कहा है, दिल्ली के पुलिस आयुक्त ने कहा है डॉक्टर भदौरिया, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनुराग भाई, दिल्ली के पुलिस आयुक्त ने कहा है कि हम अपने बचाव में कर रहे हैं, दिल्ली को महफूज रखना है। और अतीत ये कहता है कि 26 जनवरी का जो दृश्य था वो अच्छा नहीं था, इसलिए वो तैयारी और ये जो बचाव किया जा रहा है ये अहिंसक है। ये हिंसक कहां से, अगर अपने बचाव में और दिल्ली को बचाने के लिए अगर पुलिस कर रही है तो आपको ये हिंसक कैसे दिखाई दे रहा है? मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि सरकार जहां पे सिर्फ बात करके समस्या का समाधान निकालना चाहिए, वहां व्यर्थ इतनी कील कांटे बिछा रही है। जहां बात से समस्या का समाधान निकल सकता है, सरकार जनतंत्र का मामला है, तंत्र को जनता के सामने झुकने में कोई ईगो नहीं होनी चाहिए। जनता ने सरकार को चुना है तो तंत्र अगर सरकार जनता के पास चला जाएगा, बात कर लेगा, उनकी बातों को मान जाएगा तो सरकार छोटी नहीं हो जाएगी। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि आम बजट तो था नहीं इस बार खास लोगों का खास बजट देखने को मिला डॉक्टर भदौरिया हमारे पैनल पर एक और मेहमान हैं डॉक्टर बीरपाल जी, डॉक्टर बीरपाल सिंह जी बाकी है, डॉक्टर अनुराग भाई मैं आता हूं आपके पास, बीरपाल सिंह जी बाकी हैं, उनको मुझे बहस के पहले पड़ाव में भी लाना है। सेकंड दे दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बहुत देर बाद आप मेरे पास आए थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है ना, जो आप तो मैं डॉक्टर भदौरिया आऊंगा आपके पास, आपकी तकनीक सुन रहे, सरकार की पुलिस इतनी कमजोर है कि दीप सिंधु को नहीं पकड़ पा रही है। डॉक्टर भदौरिया, डॉक्टर बीरपाल जी, डॉक्टर भदौरिया आ रहा हूँ, बीरपाल जी ना झुके हैं ना टूटेंगे ना हटेंगे, ऐसी सूरत में मुद्दा देसी है विदेशी भी कूद पड़े, उनको चिंता हो रही है यहाँ पर क्या हो रहा है, जिनका सूत न कपास लेना न देना लेकिन वो जरूर कूद पड़े। ऐसे में बीरपाल जी आपको नहीं लगता कि आंदोलन के चेहरे को बदलने की विदेशी साजिश भी हो रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अवस्थी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अवस्थी जी मैं आपको बताना चाहूंगा, देश के दो प्रहरी, एक खेत का एक देश की सीमाओं का, जो देश की सीमाओं का प्रहरी है वो हमारे देश की माइनस डिग्री टेम्परेचर में खड़ा होकर वो बेचारा हमारे देश की रक्षा कर रहा है, और जो दूसरा हमारा प्रहरी है खेत का वो क्या कर रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। भाई ये जो 400 पुलिस वाले बेचारे घायल हैं, उनके बारे में किसी आपके पैनल पर किसी ने जिक्र नहीं करा, उनको कौन सुनेगा बेचारों को, उनकी भी तो सुननी चाहिए। वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे, मैं किसान के हर समय फेवर में हूं, किसान खुशहाल देश खुशहाल, जय किसान जय जवान, ये कहते हैं जय जवान जय किसान, मैं कहता हूं जय किसान जय जवान, मैं इतना फेवर में हूं। और मैं जानता हूं कि किसान बेचारा क्या है और किसान किस मजबूरी में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई किसान ही मतलब किसान ही जो कहेगा वही होगा। भाई देखो हमारे सुलह से हमारे समझौते से हमारी बैठ के जो बात होगी, और एक बार आपने जो डिमांड रख दी उन डिमांडों को हमने सुन लिया, और वो डिमांड आपकी मानने की बात है 90% जायज है तो मान ली जाए और माननी चाहिए, मैं फिर भी कह रहा हूं माननी चाहिए। लेकिन ये जो आपने भी जैसे बताया, अभी जो वहां जींद में भाषण हो रहा था वो किसान वाला भाषण तो नहीं था, आप देख लो इस बात को, यदि कोई भी कहे मेरी इस बात को किसान वाला भाषण नहीं था। लेकिन भाई जब आप ऐसी ऐसी बात करोगे, इस तरह के माहौल क्रिएट करोगे तो विदेशी ताकतों को तो माहौल मिलेगा ही,
वो तो खुद चाह रहे हैं इस बात को, लेकिन ये जितने भी लोग डॉक्टर वीरपाल या और भी हैं, डॉक्टर वीरपाल जी, इन लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने किसान आंदोलन को लेकर विदेशी हस्तियों के ट्वीट पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। बाहरी ताकतें दर्शक हो सकती हैं, लेकिन भागीदार नहीं। भारत को भारतीय जानते हैं और वही भारत के लिए फैसला लेंगे। आइए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहें। जी हां, सचिन तेंदुलकर, पूर्व क्रिकेटर, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का ट्वीट। इसके बाद एक और बड़ी खबर, बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। कोई भी प्रोपेगेंडा भारत की एकता को नहीं डिगा सकता है, कोई भी प्रोपेगेंडा भारत को नई ऊंचाइयों पर जाने से रोक नहीं सकता। प्रोपेगेंडा नहीं, केवल प्रगति ही भारत के भाग्य का फैसला कर सकता है। भारत एक साथ खड़ा है और एक साथ विकास करेगा, गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट इस वक्त की बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, भारत एक साथ है, एक साथ खड़ा रहेगा। बाहरी ताकतें लाख कोशिश कर ले, लेकिन भारत की ताकत को डिगा नहीं सकती, इस वक्त की बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। जी हां, ये दो बड़ी खबरों के बाद जिसमें सचिन तेंदुलकर और गृह मंत्री का ट्वीट सामने आया। जी हां, मुद्दा देसी है, ऐसे में विदेशियों का क्या काम, सवाल तो है, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? जवाब यह है, कंगना रावत ने अपने तरीके से दिया, बीजेपी अपने नजर से देख रही है, लेकिन इनका आखिर भारत के अंगने में काम क्या? जी हां, कोई पोर्न स्टार है तो कोई पॉप सिंगर है, आखिर इनको कृषि समझती कितनी है? हमारे साथ इकबाल सिंह लालपुरा साहब, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, साधना भारती, साविब मलिक और डॉक्टर बीरपाल जी हमारे साथ हैं। अनुराग जी आप अपनी बात पूरी करें तो मैं इकबाल सिंह जी के पास जाऊं। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो किसी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने चिंता जताई कि कोई नहीं बोल रहा है जवानों के बारे में। अरे, जवान से तो हमने शुरुआत की थी, अब आपके कान में आवाज नहीं जाती, आपकी भारतीय जनता पार्टी की आवाज आपके कान में घुस गई तो हम क्या करें? लगातार जवानों की उनके ऊपर जो हमला हुआ उसकी निंदा सबने की है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होती है कि 100 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई उसके बारे में आप बोलने से डरते हैं और कहते हैं हम किसी विशेषज्ञ हैं, किसियों पे काम करते हैं, तो कम से कम किसानों की जो मौत हुई है 100, उनके बारे में तो बात कर लीजिए। मैं पूछता कौन सरकारी, कौन यहाँ का मंत्री, कौन सरकारी अधिकारी उनसे मिलने गया जो 100 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई? क्या उनकी शहादत नहीं मानेंगे आप? क्या नहीं मानेंगे कि उन्होंने देश के जो बैठे बैठे ठंड में ठिठुर के मौतें हो गई, कोई मिलने गया? कोई भाई, ये देश के नागरिक है, हिंदुस्तानी है, अपने हिंदुस्तानी है, इनकी मौत इनसे मिलने गया? इस तरह की बातें मत कीजिए। आप जैसे लोग समाज के अंदर में डिवाइड करना चाहते हैं, समाज में जवान और किसान को बांटने की कोशिश मत कीजिए। जय जवान जय किसान बोलने की हिम्मत जुटाइए और डॉक्टर लिखे डॉक्टर भदौरिया डॉक्टर भदौरिया अनुराग भाई मेरे साथ और भी मेहमान है, मुझे उन्हें भी लाना है। साधना भारती, आपने भी उंगली उठाई थी और हमारे पैनल पर आप एक अकेली महिला पैनलिस्ट हैं, आप भी अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं इकबाल सिंह लालपुरा जी के पास जाऊं। साधना भारती जी, अभी भदौरिया जी ने जय जवान और जय किसान की बात कही, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी हुए जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने देश के जवान को देश के किसान के विरुद्ध दिल्ली के बॉर्डर पर छावनी बनाकर खड़ा कर दिया है, गड्ढे तक खोदे गए, अब तो कीले लगाई जा रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि भाजपा के प्रवक्ता ने कहा था ये इनको किसी किसानों के बारे में पता ही नहीं है, मैं खुद किसान परिवार की, चलिए समझ लीजिए, सब ना समझ है, आप अन्नदाता को भी ना समझ बता देंगे। तो 2011 में जो रिपोर्ट मोदी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सौंपते हुए एमएसपी की बात कही थी, तो क्या उस समय मोदी जी भी ना समझ थे क्या? जो 2015 में हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था तो वह झूठा हलफनामा था क्या कि हम नहीं दे सकते लागत और मेहनत का 1.5 गुना, क्योंकि बाजार का संतुलन बिगड़ गया। साधना जी, आप कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मैं आपको आप ही की एक सरकार के बारे में बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र ऐसा पहला प्रदेश है जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत की है, शायद ये आपको पता होगा। देखिए, मैं तो ये कह रही हूँ कांग्रेस ने रिफॉर्म का साथ हमेशा दिया और आवाज भी और सहयोगी भी रहे हम, लेकिन इनका जो इन्होंने कानून बनाकर आज भी, मैं बता दूं आपको, ये कह रहे हैं हमने पूरी चर्चा की, राज्यसभा में चर्चा हुई क्या? राज्यसभा में इन्होंने ऐसे ही वॉइस वोटिंग करके पारित करा दिया। दूसरी बात मैं यही कहूंगी, भाजपा के शासन में गणतंत्र चलता है,
साधना जी, साधना जी आंदोलन आपकी सरकारों में भी हुए, आंदोलन आपकी भी सरकारों में हुए हैं। साधना जी बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अन्ना हजारे दिल्ली में आंदोलन करने आए थे, वो आंदोलन करने के लिए रामलीला मैदान पहुंचते उसके पहले आप लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था, ये मत भूलिएगा। जेल में डाल दिया था अन्ना को, आप लोग ये ना भूलें। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, नहीं मैं अपनी एक मिनट बात और पूरी कर लूँ। आपने जो बात उठाई आंदोलन की उसमें राजनाथ सिंह जी गए थे, यही टिकट और युद्धवीर जी थे, लेकिन हमने दिल्ली पर रोका नहीं और यही राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को। ठीक है साधना जी, साधना भारती, साधना भारती, साधना भारती, साधना भारती, आपने अपनी बात रख ली, मुझे इकबाल सिंह जी के पास जाना चाहिए। जी हाँ, उनकी पार्टी की सरकार है, सारे जवाब वो देंगे। इकबाल सिंह जी, प्रधानमंत्री की एक अहम बैठक हुई है जिसमें गृह मंत्री और कुछ बड़े नेता, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रकाश जावड़ेकर और कई मंत्री और शामिल थे। आखिर उस बैठक में क्या हुआ, कोई जानकारी है आपके पास? इकबाल जी, जी जी मनीष जी, मुझे अभी इसके बारे में जानकारी नहीं। जी मैंने आपसे पूछा था, आपने मेरा सवाल सुना था, सुना था जी। आपके पास कोई जानकारी? नहीं, मेरे पास अभी तक कोई जानकारी पार्टी के तौर से नहीं। जी जी इकबाल साहब, मेरा सवाल है आप लोग जिस तरह से बातचीत की बात कहते हैं कि 11 दौर की बातचीत हो गई, लिया नतीजा कुछ नहीं निकला और कटीले तार, सीमेंट की दीवारें, बड़े बड़े बैरिकेड्स, उसके साथ स्टील की दीवारें भी देखी गई। जी हाँ, स्टील की चादरों की दीवारें। आखिर इतना सब कुछ करने की बजाय अगर हल बातचीत से ही है तो बातचीत कर लेनी चाहिए, एक फोन ही तो करना है, पहल कौन करेगा? मनीष जी, हमने पहल करके नरेंद्र तोमर जी ने बता दिया कि हम यहां तक चल रहे हैं, इसमें कोई भी चीज आपने करवानी है तो आप इस पे सोच के बता दीजिए। किसानों की तरफ से जवाब आएगा तो हम आधे घंटे में इनके सामने हाजिर हो जाएंगे। दूसरी बात, भारत के सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, 3 मेंबरी कमेटी बनी हुई है, उसको भी ये है। इकबाल साहब, मेरी बहस के आखिरी पड़ाव में मुझे दो और मेहमान है, मेरे साथ डॉक्टर वीरपाल सिंह जी है और साविक मलिक साहब है। वीरपाल जी, इस समय किसानों के मंच का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जबकि किसान कह रहे हैं हमारा जो मंच है वो अराजनीतिक है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखो मैं बताता हूँ आपका, जो वहां से उद्धव ठाकरे का जो आदमी यहाँ पे आया है, अरे इन पे महाराष्ट्र तो संभल नहीं रहा, महाराष्ट्र में विदर्भ में सारे लोग बेचारे पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, और वो वहाँ पार्थी गांव को डेवलपमेंट कर रहे हैं, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़, 100 करोड़ रुपए लगा के। मैं अभी एक डिबेट में था, मैं कहता हूँ कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने थे, वो किसानों के कर्ज माफ करने के लिए, उनके लिए सिंचाई की पानी की सुविधा करने के लिए, किसानों को पानी पीने के पानी सुविधा डेवलप करने के लिए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो अब दिल्ली में आकर सपोर्ट कर रहे हैं। देखो कहाँ का कानून है ये, क्या इन लोगों का? जी बीरपाल जी, बीरपाल जी, बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर बीरपाल, साविक मलिक साहब हमारे साथ हैं। साविक साहब, मेरा सवाल आपसे, आज के देश के सवाल का ये आखिरी सवाल आपसे, साविक मलिक साहब, सवाल है कि क्या राकेश टिकैत आपको लगता है कि वो किसान आंदोलन का चेहरा बन गए? ऐसा नहीं है, वो लोग काम कर रहे हैं, जो 40 लोग थे वही आज भी चेहरा है और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और जो भी बैठ के होंगी वो सबके सहमति से होंगी। लेकिन ये है कि हाँ, एक मोड़ ऐसा आया था कि जब सरकार प्रेशर डाल रही थी और नियत्ते लोगों पर, हमारा भी बड़ोत में धरना चल रहा था, हमारे पे भी रात में लाठियां चलाई गई, तब उस वक्त में राकेश जी को आगे आना पड़ा और सब लोगों को एकजुट करना पड़ा। लेकिन फैसला वही होगा जो 40 लोग करेंगे और जो कमेटी करेगी, सब लोग मिलकर ये आंदोलन लड़ रहे हैं, इसमें जाति धर्म या हरियाणा पंजाब। साविक मलिक साहब, कई बार इस आंदोलन को जब देखा गया गौर से तो ये नेता विहीन दिखाई दिया, 40 नेता हैं, आखिर पूरे आंदोलन का एक नेता कौन? जी हाँ, इसी को लेकर बवाल मचता रहा है कि आखिर एक नेता कौन। लेकिन राकेश टिकैत जिस तरीके से, जिस अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि इस आंदोलन का एक चेहरा राकेश टिकैत ही दिखाई देते हैं। जी हाँ, 6 फरवरी को किसान चक्का जाम करेंगे, सड़क पर जोर है,
संसद में शोर बना रहेगा। ऐसे में किसानों के हुक्के की गुड़गुड़ाहट से निकलने वाले धुएं के रुख को समझना जरूरी है। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।